मणिपुर से आए एक वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये वीडियो इतना विभत्स है कि मानव सभ्यता के किसी भी दौर में जो सबसे क्रूर और अमानवीय कृत्य हो सकता है वो घिनौना कृत्य इसमें होता हुआ साफ साफ देखा जा रहा है। हथियारों से लैस सैकड़ों की हिंसक भीड़ कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र कर खदेड़ते हुए बढ़ी चली जा रही है। ये वीडियो जितना क्रूर और निर्मम है उससे कहीं ज्यादा क्रूर इसके पीछे की वो कहानी है जो हमारे समाज और शासन व्यवस्था का भद्दा चेहरा उजागर करती है। क्योंकि ये वीडियो हाल का नहीं बल्कि करीब 2.5 महीने पुराना है और शासन प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद इस विभत्स अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी तब जाकर हुई जब इस घटना का ये वीडियो वायरल होने लगा और देश विदेश में सरकार की थू-थू होनी शुरू हुई। ये बात अब स्पष्ट तौर से सामने आ गई है कि इस भयावह अपराध की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस को थी। ये घटना उनके सामने हुई थी। इसके बाद भी न तो इस पर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई की, न मणिपुर सरकार ने इसका संज्ञान लिया और न ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इतनी विभत्स घटना हो जाने के बाद भी कोई ठोस कदम उठाया गया। मणिपुर की इस घटना के बाद अगर समय रहते सरकारें हरकत में आई होती तो वो पूरा प्रदेश इस कदर नहीं जला होता। 150 से ज्यादा लोगों की जान नहीं गई होती और 60,000 से ज्यादा लोगों को बेघर होने से बचाया जा सकता था। मणिपुर में आखिर हालात इतने खराब क्यों हो गए? क्या है वहां की हिंसा का इतिहास? क्यों इस हिंसा के लिए सरकार को दोषी ठहराना कतई गलत नहीं? और अन्य राज्यों समेत विशेष तौर से उत्तराखंड के लिए मणिपुर के क्या सबक हो सकते हैं? इन तमाम बातों को समझने की शुरुआत इसी वीडियो वाली घटना से करते हैं। ये घटना 4 मई की है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था और हिंसक घटनाएं होने लगी थी। इसी बीच एक फर्जी तस्वीर मणिपुर में खूब वायरल की गई। ये तस्वीर असल में दिल्ली की थी जहां बीते साल नवंबर में एक लड़की की उसके ही परिजनों ने हत्या कर दी थी। ये मामला ऑनर किलिंग का था लेकिन मणिपुर में इस तस्वीर को ये कहते हुए वायरल किया गया कि कुकी समुदाय के लोगों ने एक मैतेई लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी है। मैतेई और कुकी समुदाय के तनावों के बीच इस फर्जी फोटो ने आग में घी का काम किया। दोनों समुदायों में तनाव और हिंसा का क्या इतिहास है उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले इसी घटनाक्रम को समझते हैं। इस वायरल फोटो और इसके साथ बुनी गई झूठी कहानी से लोगों में इतना गुस्सा भराया कि वे उस बर्बर घटना को अंजाम देने पर उतर आए जिसका वीडियो इन दिनों सामने आया है। इस वीडियो में जिन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घसीटा गया उनमें से एक महिला ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को उस दिन की पूरी आपबीती सुनाई है। इस महिला ने बताया कि मैतेई समुदाय के करीब 1,000 लोग AK-47 जैसे हथियार लिए हमारे गांव में दाखिल हुए। इस महिला के अनुसार स्थानीय पुलिस भी इस हिंसक भीड़ के साथ थी। तकरीबन 1,000 लोगों की ये भीड़ उस गांव में ये कहते हुए दाखिल हुई कि एक मैतेई महिला के बलात्कार का बदला अब कुकी महिलाओं से लिया जाएगा। इस भीड़ ने एक कुकी परिवार को अपना निशाना बनाया। इस परिवार में एक 56 साल का आदमी था, उसका 19 साल का बेटा था, 21 साल की बेटी थी और 2 अन्य महिलाएं भी। भीड़ ने इस परिवार के सभी सदस्यों को घेर लिया था लेकिन पुलिस ने इन सभी 5 लोगों को अपने साथ लिया और थाने ले जाने लगी। अखबार को दिए अपने बयान में ये महिला कहती हैं, गांव से कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ने हमें उस भीड़ के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने इन 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घसीटना शुरू किया। इनमें से एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है, उसके भाई ने जब उसे बचाना चाहा तो भीड़ ने उसके भाई और उसके पिता की हत्या कर दी। आरोप है कि इनमें से एक महिला के साथ बर्बरता से गैंग रेप किया गया और 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। ये सब कुछ पुलिस के सामने या उनके संज्ञान में हुआ क्योंकि इन लोगों को पुलिस कस्टडी से ही भीड़ ने उठाया था। 4 मई की इस घटना की 18 मई के दिन बाकायदा FIR भी दर्ज करवाई गई। इस FIR को हुए भी 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन फिर भी इस मामले में कोई गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक इस घटना का ये वीडियो पूरे देश में वायरल नहीं हो गया। ये तथ्य सिर्फ स्थानीय पुलिस पर ही नहीं बल्कि मणिपुर सरकार और केंद्रीय सरकार पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या यह संभव है कि पुलिस हिरासत से 5 लोगों को खींच ले जाने, उनमें से 2 की हत्या कर देने और 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की यह घटना मणिपुर सरकार के संज्ञान में ना आई हो? क्या ये माना जा सकता है कि हिंसा से घिरे एक प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई और केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनकी भनक तक नहीं लगी, वो भी तब जब यह घटना पुलिस हिरासत में मौजूद लोगों के साथ हुई थी? अगर सच में इस घटना की जानकारी मणिपुर सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं थी तो इससे ज्यादा शर्म की बात इन दोनों ही सरकारों के लिए नहीं हो सकती।
और इन्हें सत्ता में बने रहने का न्यूनतम नैतिक अधिकार भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये माना जाए कि मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार को इस घटना की जानकारी थी, तब तो और भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा था तो 2.5 महीने तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी 2.5 महीने बाद तब हुई जब पूरी दुनिया के सामने वो वीडियो कहीं से तैरता हुआ आ गया? खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मणिपुर मामले में सिर्फ तभी एक बयान दिया जब ये 2.5 महीने पुराना वीडियो लोगों के सामने आया। अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या इतने बर्बर और क्रूर अपराध का शिकार होने के बाद भी इन महिलाओं को न्याय मिल पाता? ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपराध दुनिया के सामने भले ही इस वीडियो के चलते आया हो, लेकिन स्थानीय पुलिस के संज्ञान में तो पहले दिन से था, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 4 मई की इस घटना पर अगर मणिपुर सरकार या केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया होता तो मणिपुर को इस कदर जलने से बचाया जा सकता था, क्योंकि वहां हिंसा की बड़ी घटनाएं इसके बाद ही शुरू हुई। तब से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मणिपुर में हत्या हो चुकी है। कई मंदिर और कई चर्च तोड़े या जलाए जा चुके हैं, कई गांव उजाड़ दिए गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर किए जा चुके हैं। मणिपुर में हिंसा पहली बार नहीं हो रही, लेकिन प्रशासन का इस कदर लाचार नजर आना पहली बार ही देखा जा रहा है और क्षेत्रीय अस्मिता या मूल निवास की इस लड़ाई को धार्मिक रंग भी पहली बार मिल रहा है। मणिपुर में ये समुदाय आपस में क्यों भिड़े हुए हैं, इसे समझने की शुरुआत मणिपुर के इतिहास से ही करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मणिपुर को यह नाम उसके पहले हिंदू राजा ने दिया था। ये राजा थे मैतेई समुदाय के पाम्हे ईबा, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता था। उन्होंने साल 1709 से 1751 तक राज किया। ये पाम्हे ईबा ही थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ हिंदू धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य के सभी मैतेई लोगों को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। उन्होंने ही कांगलेई पाक से अपने साम्राज्य का नाम बदलकर मणिपुर किया था। 18वीं सदी की इस घटना के बाद मणिपुर ने भी सत्ता संघर्ष के वही दौर देखे जो अमूमन हर साम्राज्य के हिस्से आए। कभी बर्मा ने मणिपुर पर हमला किया तो कभी अंग्रेजों ने। करीब 200 सालों के इस दौर में कुकी और नागा समुदाय के लोग भी मणिपुर में बसते चले गए, जिनका मूल म्यांमार या आसपास का क्षेत्र था। अंग्रेजों के दौर में मणिपुर भले ही राजा के अधीन था, लेकिन तमाम रियासतों की तरह यहाँ भी दबदबा अंग्रेजों का ही चलता था। उन्होंने मणिपुर में कुकी और नागा समुदाय को जंगलों की तरफ बसाना शुरू किया, जबकि मैतेई समुदाय को बीचों बीच घाटियों में रहने दिया। आजादी के बाद मणिपुर भारत का हिस्सा बना और इसके कुछ साल बाद इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहीं से मणिपुर में हिंसा का नया दौर भी शुरू हुआ। कई अलगाववादी संगठन यहां पनपने लगे, जिनका वर्चस्व तब भी कायम रहा जब साल 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 80 का दशक आते आते मणिपुर पूरी तरह से चरमपंथ की आग में झुलसने लगा था। इनमें से कुछ संगठन मणिपुर को एक अलग देश की तरह देखना चाहते थे, कुछ भारत में ही एक और अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो कुछ मूल निवास के सवाल पर लड़ रहे थे। आज की बात करें तो मणिपुर में लगभग आधी आबादी मैतेई लोगों की है, जो प्रदेश के सिर्फ 10%, लेकिन सबसे समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। प्रदेश की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक में इन्हीं मैतेई लोगों का वर्चस्व है। विधानसभा की 60 सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय के ही लोग चुने गए हैं, लेकिन इन लोगों को प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमीनें खरीदने का अधिकार नहीं है और इसलिए इस समुदाय की लंबे समय से मांग रही है कि इन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि वे प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीद सकें और आबादी में 50% होने के बाद भी सिर्फ 10% भूभाग में ही सिमट कर न रह जाए। दूसरी तरफ कुकी समुदाय का कहना है कि प्रदेश में नौकरी से लेकर राजनीति तक हर जगह मैतेई लोगों का वर्चस्व है। ऐसे में अगर उन्हें जनजातीय दर्जा मिल जाता है तो उन्हें आरक्षण भी मिलने लगेगा और वे कुकी बहुल संरक्षित इलाकों में भी अपना वर्चस्व बना लेंगे। मणिपुर में एक खेल अफीम की खेती का भी है। कुकी इलाकों में अफीम की खेती होती है और इस पर रोक लगाने के जब भी प्रयास होते हैं, माहौल अक्सर हिंसक होने लगता है। लेकिन मौजूदा हिंसा का सबसे बड़ा कारण बना मणिपुर हाईकोर्ट का वो फैसला, जिसमें कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि वो 29 मई से पहले केंद्रीय मंत्रालय को मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की संस्तुति भेजे। इस फैसले के बाद कुकी समुदाय ने प्रदर्शन शुरू किए और 3 मई के दिन मणिपुर के 10 पहाड़ी जिलों में धरने प्रदर्शन शुरू हुए। उस दिन से शुरू हुआ हिंसा का दौर आज इतना विकराल हो चुका है कि 4,000 से ज्यादा हथियार तो सरकारी विभागों से ही लूटे जा चुके हैं और न जाने कितने हथियार आसपास के इलाकों से मणिपुर में पहुंच चुके हैं, जिनके चलते वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बन पड़ी है। ऐसी स्थिति में अफवाहें और फर्जी खबरें हिंसा को और भड़का रही हैं। मणिपुर 2.5 महीने से लगातार जल रहा है और हमारी मजबूत सरकारें बेहद कमजोर साबित हो रही हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात में उत्तराखंड के लिए भी कई सबक हैं।
सबसे पहला और अहम सबक तो फर्जी खबरों और अफवाहों के चलते होने वाली हिंसा से जुड़ा है। उत्तराखंड में बीते एक डेढ़ दशक में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं जब किसी अफवाह के चलते यहां हिंसा भड़की है, और प्रदेश में सांप्रदायिकता का कोई इतिहास न होने के बावजूद यहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। चाहे वो साल 2015 में कोटद्वार में हुई हिंसा की बात हो, अगस्त मुनि की घटना हो, या फिर अभी हाल ही में हुई पुरोला की घटना, इन सभी घटनाओं में बाद में सामने आया कि इन मामलों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कोरी राजनीति थी। धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राह हमेशा ही हिंसक होती है। इस ध्रुवीकरण का फायदा सिर्फ उन्हें मिलता है जो लाशों के अंबार पर चढ़कर सत्ता की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। बाकी आम जनता इस ध्रुवीकरण में सिर्फ एक संख्या होती है जो मृतकों या घायलों की सूची में दर्ज होने के अलावा और कहीं नहीं पहुंचती। इस ध्रुवीकरण का एक बड़ा नुकसान वो भी है जो उत्तराखंड में इन दिनों प्रत्यक्ष दिख रहा है। भू कानून से लेकर मूल निवास और भर्ती घोटालों से लेकर रोजगार तक के सवाल सिर्फ इसलिए आसानी से टाले जा रहे हैं क्योंकि इन सवालों पर जिस जनता को लामबंद होना था वो सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत से भरे पोस्ट लिखने या उन्हें पढ़ने में ही व्यस्त कर दी गई है। आज की इस व्याख्या पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर लिख भेजें, और जुड़े रहें बारहमासा।